देखिए, पिछले दिनों मैंने आपको हमारे इस पार्क की सैर करवाई थी और दरख्तों की वो दिखाई थी, किस कदर सरसब्ज दरख्त थे। लेकिन अब ये सर्दियों में कैसे टनमुन हो गए, अब आप इनको देखिए कितने सूख गए, पत्ते इनके तमाम गिर चुके हैं और ये सारे दरख्त जो हैं अब वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इनके अंदर जान ही नहीं है। लेकिन अल्लाह का ये निज़ाम है कि अब ये थोड़े दिन के बाद दोबारा जब बाहर का मौसम शुरू होगा तो इनमें पत्ते फिर दोबारा आ जाएंगे। घास आप देख रहे होंगे अलबत्ता कि जो बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन घास की कुछ नौइयत ऐसी है कि ये सर्दियों में सूखती नहीं है, जलती नहीं है, और गर्मियों में भी हरी भरी रहती है। पूरे साल समझ लीजिए इनका ये हाल होता है इस घास का। अलबत्ता दरख्त जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, तो हम अक्सर इस पर वॉक पे निकलते हैं अपने घर के सामने इस ग्राउंड के अंदर, इस पार्क के अंदर, तो उसकी सैर मैंने आपको पिछली दफ़ा कराई थी कि जो सब्ज़े से भरे हुए दरख्त थे। और अब आप हाल देखिए कि बिल्कुल तमाम दरख्त जो हैं वो दूर तक जो है वो सूख चुके हैं। ये बच्चों के झूले का झूले हैं मुख्तलिफ, और ये लोगों के बैठने की जगह हैं कि जो यहाँ पर लोग पिकनिक के लिए यहाँ पर लोग आ सकते हैं। सर्दी की वजह से बिल्कुल वैसे ही खैर स्कूल टाइमिंग है, सब बच्चे स्कूल्स के अंदर हैं, लेकिन ये है कि वैसे भी ये मौसम है सर्मा की वजह से काफ़ी एक वीरानी सी है। दरख्तों का हाल देखिए आप, ये दरख्त मैंने आपको दिखाए थे शायद पिछली आप मेरी मूवी में देखिएगा कितने सब्ज़े से ये भरे हुए दरख्त हैं, लेकिन आप बिल्कुल सूख गए, लगता है कि जैसे इनमें कोई जान ही नहीं है। ये एक फ्लैग आप देख रहे हैं कि ये वन ऑफ द ग्रीन पार्क ऑफ द एरिया, ये इसका अवार्ड है असल में जो इसको मिला हुआ है। इसको देखिए आप, पूरे इस दरख्त को सूख गया ये दरख्त। आए दूर तक आप दरख्त देखते रहिए, तो सब आपको सूखे हुए दरख्त आपको मिलेंगे। अलबत्त जैसे बताया कि ग्रास एरिया जो है वो बड़ा वो अभी भी बहुत ही ग्रीन है। लोगों के जो वॉक के औकात हैं डिफरेंट हैं, कोई अर्ली मॉर्निंग करते हैं, कोई जो वक्त जिसको मिलता है लोग उसमें अपने वॉक के लिए निकल आते हैं। ये हमारे पौधे साथ देखिए इससे मेरे साथ ही वॉक कर रहे हैं। इनको ज़बरदस्त किस्म की चीख आई है, सर्दी इनको लग गई है ना। ये देखिए दरख्त मैंने आपको दिखाया था कितना बड़ा दरख्त लग रहा था ये पत्तों से भरा हुआ, और इसका अब हाशर आप देखें बिल्कुल एक सूखा हुआ बेजान आपको नज़र आएगा। ये सीधे हाथ पर सारे घर बने हुए, घरों का जो पिछला एरिया है बैकयार्ड मैंने पहले भी आपको दिखाया था। इस दरख्त को आप देखें, ये मैंने आपको बहुत ही इसका क्लोजअप लेके इन दोनों दरख्तों में दिखाया था, सूख के इनका क्या हाल हो गया इसको देखिए आप।
ये जो है सामने बॉलिंग क्लब है, उसका मैं मेम्बर हूँ, बताया था। तो ये भी अभी सर्दी की वजह से बंद पड़ा हुआ है और ये कुछ दिनों में खुलेगा। ये इधर ख़ास कर देखिए आप, क्या इसका हशर हो गया। इस तरह को मैंने दिखाया था आपको तफसील के साथ कि ये कितना ऊंचा दरख्त है, कितना सब्जे से भरा हुआ था। तो अब आप इसका हशर देखिए क्या हो रहा है, सूख के बिल्कुल। ये सामने वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और उसके ये मुख्तलिफ जो है ऑप्शन जो लोगों के बने हुए, तो अलग से जो लोग वर्जिश करते हैं। सब्जा आप देखिए खूबसूरत, आज तो बड़ा अच्छा सनी डे है और जिस दिन ये सूरज निकल आता है समझ लीजिए उसको, तो ये बहुत ही लोग इसको अच्छा दिन समझते हैं और इसकी मुबारक आते रहते हैं। तो ये बड़ा तो माशाल्लाह सूरज पूरी देखिए तमाजस से आज तो निकला हुआ है और अच्छा से वो खुशी महसूस करता है जिस दिन के ये सूरज निकला। सर्दी आज काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल है कि माइनस टेम्परेचर टच कर रहा होगा। सामने आवाज़ें आपको आ रही हैं, एक नर्सरी स्कूल है इसकी आवाज़ें। इस कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था आपको, हमने काउंसिल ने एक जिम की जो मुख्तलिफ मशीनें होती हैं यहाँ लगा दी हैं और लोग फ्रीली यहाँ पर आके अपने जिम कर सकते हैं, बाजू की, पैरों की, हाथों की, जिसम के तमाम हिस्से को मजबूत बना सकते हैं। सामने बच्चों की नर्सरी कि जहाँ से बच्चों की पोएम्स की और म्यूज़िक के साथ आवाज़ें आपको आ गई। आ जाओ, हेलो, कम ऑन। इन दरख्तों में देखिए मैंने आपको दिखाए थे कितने सरसब्ज दरख्त थे ये, और ये बिल्कुल सूख के जो है वो लकड़ी हो गई, यानी बाकायदा क्राम को तोड़ने तो लगेगा कि इनमें कोई जान ही नहीं है, जलाने बड़ी आसानी है, लेकिन अल्लाह ने इनके अंदर जान रखी हुई है। और अल्लाह ताला जो है इन परिंदों का आप देखिए, कबूतरों को, किसी ने इनके लिए देखा ये बाजरा डाला हुआ है, इसके लिए यहाँ पर ये आ रहे हैं। इन दरख्तों की मैंने आपको सारी सैर कराई थी, इसको देखें आप कितना ऊंचा ये दरख्त है, लेकिन ये सूख के बिल्कुल कांटा हो चुका है। ये सारे इस हिस्से की मैंने आपको इसकी फिल्मिंग की थी, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कितना सरसब्ज ये था, और अब देखिए इनका क्या हाल है, सारे दफ्तरों का हाल है। पत्ते इनके सारे पहले यहीं पर सारे पहले आपको दिखाए थे घर के नीचे, तो तकरीबन ये अभी इतने सूख गए कि अब ये मेरे ख्याल खाद बन जाएंगे। इस दरख्त के पत्ते सारे इसके पूरे इस मल्ली के पूरे कपड़े उतर गए इसके उतर के ये सारे ज़मीन पर जमा हो चुके हैं। सूखे पत्ते अब कुदरत का निज़ाम है कि ये वापस लग नहीं सकते,
इन दरख्तों को देखिए जो साइड से लगे हुए हैं, सब सूख गए। इस दरख्त का मैंने दिखाया था आपको कि बहुत ही सरसब्ज है और इसमें से एक ख़ास किस्म का एक फल निकलता है कि जो बड़े शौक़ से परिंदे भी खाते हैं और इंसान। एक बीज होता है उसके अंदर जो ये आपको, अब तो खैर दुनिया के ये इसके कुछ हिस्से देखिए आप नजर आएंगे सूखे हुए, ये देखते हैं आप इसको। अगर आप देखें ये मैंने खाया है, ये इसके अंदर इसके एक ये इसकी जो है कवर इसका एकदम ग्रीन होता है और इसके अंदर एक बीज होता है और उसके अंदर एक बादाम निकलता था। ये बड़े खूबसूरत ये बादाम होते थे, लोग बड़े कसरत से मैं देखता था, यहाँ पर लोग मकानी लोग इसको तोड़ कर इसको खाते थे। ठीक है, अब आप देखिए कि ज़रा बिल्कुल ये जो है सब पत्ते पुराने इसके पड़े हैं जमीन के ऊपर, जो सारे इसके जिसके अंदर बीज थे लेकिन बिल्कुल सूख के इसके आपको ये दरख्त बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गया। मतलब मैंने इसमें इतना परिंदों को आते हुए देखा है, बड़े शौक़ से परिंदे इसमें आते थे और ख़ासकर मैंने तोतों को देखा है, पैरट्स को बड़ी तादाद के अंदर कि जो यहाँ आते थे, बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन आएंगे इंशाल्लाह, बाहर का मौसम आएगा तो दोबारा इसमें इसी तरह पत्ते लगेंगे और सारे फल लगेंगे। लेकिन सूखे दरख्तों का ये अंदर इसका मैंने आपको दिखाया था, इसका कितना सरसब्ज ये दरख्त था, बेहतरीन इसके पत्ते थे इसके, लेकिन हमेशा देखें इसके पत्ते ये सब ज़मीन पर गिर चुके हैं, कोई घास इसके दरमियान नज़र आ रही है, लेकिन ये पत्ते जो इसकी अच्छी अच्छी खाद का काम करेंगे। आप देखिएगा, आइए आ जाओ, ये भी मैंने आपको कहा था ये बड़ा सरसब्ज दरख्त था लेकिन सब ये सूख के काटा हो चुकी। ये घास के बारे में तो बताया था कि ये सरसब्ज है, बताया तो ये इसका हमारा राउंड मुकम्मल हुआ। ये सामने सब आपको रहायशी घर मिलेंगे, ये पिंक पर लेन के लाते हैं, साथ ही आपको स्कूल पार्क नज़र आया, दरख्तों के साथ में घास का मंजर आपको दिखाया कि ये ग्रीन एरिया जो है दूर तक घास का, ये आपको हमने मुकम्मल करा दिया। इस तरह से हमने कोई 14 मिनट के अंदर ये इसका पूरा एक चक्कर हमने लगा दिया। परिंदों के भी खूबसूरत आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कभी कुछ परिंदे होते हैं पूरा साल, सुबह का वक्त बड़ा सुहाना होता है यहाँ पर खासकर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये सब अच्छा लगा। इसको देखें कितने टॉल कितने लंबे दरख्त हैं, लेकिन ये बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गई। इसमें से बाज़ दरख्त होते हैं कि जो बिल्कुल मुरझा जाते हैं और तकरीबन डेड हो जाते हैं, तो उनको फिर ये मॉनिटरिंग करते हैं उनकी और फिर उनके कौंसिल वाले उनको काट देते हैं। ये जनाब हमारा आज का ये मुकम्मल हुआ और अब हम यहाँ से अपने छोटे से गेट से बाहर वापस जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, अपनी राय से और अपने कमेंट से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर
आगाही करते रहें। और हमने पहले भी कहा कि अगर आप भी अच्छी कोई ऐसी जो अच्छा मंजर आपको नज़र आए कहीं पर, अगर आप उसकी छोटी सी फिल्में बनाएं अपने फोन्स के ज़रिए से, तो वो हमको भेजें, तो हम ज़रूर जुमरात के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आपको आपके नाम से लोगों को बताएंगे। आपकी देखने का आपको बहुत शुक्रिया।